तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम पबजी मोबाइल बैन अनबैन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पबजी को लेके काफ़ी लोग सीरियस और काफ़ी लोग मज़े में भी है, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जिसको फर्क पड़ता है यार। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग को पहले ये बात कर लेते कि पबजी से किसे फर्क पड़ता है। और पबजी से तो वैसे नॉर्मली जो खेलता है वो फन के लिए खेलता है, कोई इनकम के लिए खेलता है, और कोई इमोशनल अटैच होता है उससे, जैसे कि आपको पता हो ना पता हो। और वेस्ट बंगाल का एक एक स्टूडेंट था जो जिसकी उम्र कम से कम 21। तो उसके साथ क्या सीन हुआ मैं बताता हूँ। वो फिलहाल रात में, मतलब कल रात में, वो अपने रूम में था। उसकी माँ मतलब खाना लाई उसको, तो उसने इग्नोर किया और अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद वो जो दरवाज़ा होता है उसने बंद किया। और पंखे में, यार बोलना नहीं चाहूँगा, पंखे में देखो कुछ जो भी हो, जो लगाया हो उससे उसने सुसाइड कर लिया। अब पबजी बैन होने से यार इतना भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को कोई जोखिम में डाल दे। जोखिम में क्या हुआ, तो दुनिया ही से चला गया। खैर अब उसकी बात छोड़ते हैं, अब जो भी है। और अब बात करते हैं पबजी बैन अनबैन के बारे में। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट और टेंसेंट वाले और पबजी वाले से जो मीटिंग हुआ था अपने इंडिया गवर्नमेंट के साथ, तो उसने फाइनली पबजी मोबाइल ने जो भी था उसका 10% 20% पार्टनरशिप था उसने तोड़ दिया। और वो आ गई है, पबजी वाले आ गए इंडिया कंपनी, मतलब इंडिया में जो भी बड़े बड़े गेमर गेमर कंपनी है उनके पास, जैसे ई स्पोर्ट और कुछ है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब आपको मैं आर्टिकल दे दूंगा नीचे न्यूज का, तो उसमें देख लेना। तो अब पबजी वाले हाथ पैर पटक रहे कि कोई पार्टनरशिप करे, क्योंकि इंडिया में कम से कम डाउनलोड यूजर 35 35 मिलियन है, और जो एक्टिव यूजर है 33 मिलियन है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जब से पबजी इंडिया में बैन हुआ है तो कई मिलियन का लॉस हो गया जिस टेंशन वाले को। अब पबजी वाले भी ये नहीं चाहेंगे कि इतना, जहाँ से इतना इनकम आता था उन्हें, उनका कोई छोटी मोटी गेम तो है नहीं कि चलो भाई इंडिया ने बैन कर दिया तो छोड़ देंगे। तो उन्होंने जो भी पार्टनरशिप थी टेंसेंट वाले से तोड़ दिए। अब देखो कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होता है इंडिया में। और धीरे धीरे आसार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि पबजी इंडिया में वापस आए, क्योंकि इस साल ही, मतलब 2020 में ही वो एक टूर्नामेंट होने वाला था, जो जिसके ना होने से, मतलब पबजी बैन होने से पबजी वाले को भी कहीं ज़्यादा घाटा हुआ। और अब जब इंडिया वाले कंपनी से जब पार्टनरशिप होगी तो वो जो टूर्नामेंट होने वाला था वो वापस से होगा, और देखते हैं मतलब कब तक अनबैन हो जाएगा इंडिया में। और जिसका भी पबजी नहीं चल रहा, मतलब सर्वर रिकनेक्ट वगैरह आता है, तो उसके बारे में भी आज मैं एक वीडियो शाम को डालूंगा, जिससे वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जिसका नहीं चल रहा है तो उससे चल जाएगा जब तक। अब जो भी है पिंग थोड़ा 150 200 के आसपास आएगा, लेकिन आप खेल सकते हो। तो फाइनली टेंसेंट से पार्टनरशिप तोड़ दी है पबजी वालों ने, तो देखते हैं कब तक अनबैन होता है इंडिया में। तो यार देखो ये बात कोई वो फेक वेक नहीं है, मैं सारे मतलब सारा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो उसे। जो भी एक दो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो अपने दोस्त सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पता चले। और